एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये कोई चुनावी बयान नहीं है, बल्कि संकल्प है। संकल्प भी संकल्प पुरुष का, तो नतीजा भी देख लीजिए, सुन लीजिए, पढ़ लीजिए। वो भी किसी और की कहानी नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की जुबानी। यूएन ने डंके की चोट पर यह खुलासा किया है कि भारत में स्वास्थ्य और स्कूली शिक्षा जैसे क्षेत्रों में तो प्रगति हुई ही है, बड़ी संख्या में गरीबी के दलदल से भी लोग बाहर निकले हैं। यूएन ने एक रिपोर्ट पेश की है जिसके अनुसार अकेले भारत में 27.10 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। खाना पकाने के ईंधन यानी रसोई गैस यानी उज्ज्वला योजना और साफ सफाई यानी स्वच्छ भारत मिशन का इसमें बड़ा रोल है, जिससे गरीबी के सूचकांक वैल्यू में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ये MPI 11 जुलाई को जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में 101 देशों में 1.3 अरब लोगों का अध्ययन किया गया। इसमें 31 न्यूनतम आय, 68 मध्यम आय और 2 उच्च आय वाले देश शामिल थे। भारत का MPI वैल्यू 2005-06 में 0.83 था, जो 2015-16 में 0.123 पर आ गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2005-2006 में भारत के करीब 64 करोड़ यानी 55.1% लोग गरीबी में जी रहे थे। ये संख्या घटकर 2015-16 में 36.9 करोड़ यानी 27.9% पर आ गई है। हमें 21वीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है, जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी सशक्त करना है, और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़ चढ़ करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है।